ज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। भगवत गीता कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। तो कल हमने 19, 20, 21 श्लोक का किया, तो जिस जिसको याद है, जो जो कल थे, प्लीज आप शेयर करोगे कि क्या क्या हमने कल डिस्कस किया था? कौन बताएगा? कविता, यू विल स्टार्ट। आपने बोला था कि आज 22 करना है, तो कैन यू समराइज व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड यस्टरडे फ्रॉम द प्रीवियस श्लोकस? यस आई कैन ट्राई। हाँ बताओ। कल सो हमने 19, 20 और 21 किया ना, तो उसको मैंने स्क्रीन पे भी खोल दिया है, प्लीज आप शेयर करो। सो कल हमने डिस्कस किया था कि हमें फ्रूटिव रिजल्ट्स फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए एंड जो पर्सन सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं उनको ड्यूटी ना करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आई वुड से कि ना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो फ्रूट्स उस एक्टिविटी के फ्रूट्स को एंजॉय करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। एक मिनट। देन जनक किंग का एग्जांपल दिया गया था और ये बताया गया था कि हम जो सेल्फलाइज पीपल होते हैं उनको एक्टिविटीज इसलिए करनी चाहिए सो दैट उनको देख के बाकी लोग उनका एग्जाम्पल सेट करके काम कर सके। सो लाइक इन टेक्स्ट 21 में बोला गया था कि वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन फॉलोज कॉमन मैन मैन विल ऑल्सो फॉलो। सो जो स्टैंडर्ड वो सेट करेगा बाकी पीपल उसको फॉलो करेंगे। एक्सेलेंट, वेरी तो नाइस, थैंक यू, ग्रेट। कई सारे पॉइंट्स बताए आपने। अच्छा, और कौन कौन शेयर कर सकता है? क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हमने कल? कल के कॉन्फ्रेंस कॉल में से कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हो, कोई पॉइंट स्पेसिफिकली आप लोगों को अच्छे लगे हो या स्ट्राइक करे हो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण। एक पॉइंट और था कि अगर जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें किसी और को पूछने की, मतलब किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर हमने रूट्स को पानी दिया तो वो अपने आप ब्रांचेस और फ्रूट्स और लीव्स में जाएगा, तो परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड, हमें ग्रेट पॉइंट। यस एक यस ही पॉइंट था। यस कि वो अपना कार्य करने के लिए करते हैं, भगवान को सेंटर में, वेरी नाइस, बाकी लोगों के यस उसमें नहीं रहते। ओके ग्रेट। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा कल के? हरे यस कृष्ण। हाँ जी, नीलमानी को देयर ऐड। वाज वन मोर दिस थिंग ऑफ सेटिंग एन एग्जांपल। दोज हु आर इन द पब्लिक आई दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट पीपल फॉलो देम एंड सो देयर बिहेवियर शुड बी एग्जांपलरी। So if they are in the Krishna conscious mode and they are spiritually situated, people will also follow them. Like those politicians or kings, if they are behaving properly, the public, the praja will also follow them properly. वेरी नाइस, एक्सेलेंट, यस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कल डिस्कस हुआ था 21 श्लोक का, कि जो ग्रेट लोग करते हैं, जो लीडर्स करते हैं, वही मासेस फॉलो करती हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्रेट और लीडर, एक्चुअली सब लोग ही ग्रेट और लीडर हैं। किसी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपनी फैमिली तक सीमित रहेगा, किसी का अपने फ्रेंड्स तक होगा, किसी का अपने रिलेटिव्स तक होगा, और किसी का हो सकता है लार्जर सोसाइटी, कंट्री और मेनी मेनी कंट्रीज तक हो। मगर किसी ना किसी तरीके से हर व्यक्ति जो है वो लीडर है।
नॉर्मली लोग अपने बच्चों के लिए लीडर हो सकते हैं नॉर्मल लिविंग एंटिटीज, मगर कई लोग हैं जो इनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कोई अपने वर्क प्लेस में लीडर होंगे, कोई अपने घर में लीडर होंगे, कोई अपनी सोसाइटी में होंगे, तो लाइक दैट वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है ना। और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम मैं आज थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा एंड देन मे बी आई विल सी टुमारो आई विल शेयर सम वीडियोस। कल मैं थोड़े वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें पता लगेगा कि कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है अपब्रिंगिंग का और लीडर या कोई जो जो हमने डिस्कस किया कि एक बच्चे के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए कैसे पेरेंट्स या सोसाइटी या ये सब लीडरशिप की वैल्यू है इवन फॉर पेरेंट्स और इवन फॉर यू नो द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप, टीचर्स जो होते हैं, तो उन सबको लिए बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग मोर? कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ? ओके, तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे, थर्ड चैप्टर 22nd श्लोक। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम्। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तम् अवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? आई कैन रीड कर। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। ओ सन ऑफ प्रथा, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब फॉर मी विद इन ऑल द थ्री प्लेनेटरी सिस्टम्स, नॉर एम आई in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Okay, thank you. Hare Krishna. तो देखो, अभी तक भगवत गीता में कृष्णा ने शुरू से लेके अब तक बहुत ज्यादा अपने बारे में कहा नहीं है, अपनी जो पोजीशन है कि मैं भगवान हूँ ये भी रिवील करी नहीं है अब। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फर्स्ट श्लोकस है जिसमें कृष्ण इसकी तरफ हिंट दे रहे हैं। जब कृष्ण कहते हैं देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स, कोई मेरे लिए है नहीं काम, नॉर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग, नॉर हैव आई अ नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, एंड येट आई एम engaged in prescribed duties. तो ये important है कि कृष्णा रिवील कर रहे इस बात को। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा पर्पट पढ़ते हैं। तो पर्पट मैं पढ़ता हूँ शुरू करने में। The supreme personality of Godhead is described in the Vedic literature as follows. तमीश्वरानाम परमं महेश्वरम् तम देवतानां परमं च देवतम्, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, वीदां देवां भुवनेशमित्यम्, नातस्य कार्यं करणं च वेत्यते, न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृष्ट यते, परास्य शक्तिर विविधे वश्यूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। ओके, कौन पढ़ेगा इसके ट्रांसलेशन? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी? हाँ प्लीज। द सुप्रीम लॉर्ड इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल अदर कंट्रोलर्स।
एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डाइवर्स प्लेनेटरी लीडर्स. एवरीवन इज अंडर हिज कंट्रोल. ऑल एंटिटीज आर डेलीगेटेड विद पर्टिकुलर पावर ओनली बाय द सुप्रीम लॉर्ड. दे आर नॉट सुप्रीम देमसेल्व्स. ही इज ऑल्सो वर्शिपेबल बाय ऑल डेमीगॉड्स एंड ही इज द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ ऑल डायरेक्टर्स. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. Okay. There is no one... Okay. Last line, pardh lijiye. There is no one greater than him and he is the supreme cause of all causes. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. So, dekho, yahan bataya gaya hai ki Bhagwan jo hai, wahi कंट्रोलर हैं सारे कंट्रोलर के. एक्चुअली ये जो वर्ड है कंट्रोलर, इसको संस्कृत में कहते हैं ईश्वरा, ठीक है ना. तो ईश्वरा मींस जो भी कंट्रोल करे. तो एक तरीके से जीव जो लिविंग एंटिटीज हैं वो सब भी किसी ना किसी तरीके से कंट्रोलर्स हैं. जैसे कोई बॉस है तो वो अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है. कोई पेरेंट्स हैं तो वो थोड़ा अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऐसे थोड़ा बहुत तो कंट्रोलर हो सकता है कोई हो. लेकिन परमेश्वर, परमेश्वर कौन है? वो है भगवान, कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर्स, सारे कंट्रोलर का कंट्रोलर. ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डाइवर्स प्लैनेटरी लीडर्स. Everyone is under his control. वो कितनी चीजों को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं और सब लोग जो है उन्हीं के कंट्रोल में है कि नहीं. तो कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे जो कुछ हो रहा है भगवान की वजह से ही हो रहा है, भगवान ही चाहते हैं करना. एक्चुअली ये बात नहीं है. भगवान कहते ना कि भगवान की क्या कहते हैं इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है. एक्चुअली ये बात नहीं है, भगवान की परमिशन से होता है सब. भगवान के एवरीथिंग हैपेंस बाय कृष्णा सैंक्शन. ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है तो भगवान करा रहे हैं. नहीं, भगवान हमारे इच्छाओं को, डिजायर्स को फैसिलिटेट करते हैं इस तरीके से कि हमें ऐसा मौका मिले जिससे हम इम्प्रूव हो सके, हम बेहतर बन सके. ऐसा मौका देते हैं हमारे भगवान. तो भगवान कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान फोर्स नहीं करते अपने आप को हमारे, वो फ्रीडम देते हैं. क्योंकि फ्रीडम से अगर हम चूज करेंगे भगवान के पास आना तो वो सच्चा प्यार है. अगर किसी को आप कंट्रोल करके बोल दो कि हाँ भाई, जैसे एक रोबोट होता है ना, कंट्रोल करते हैं उसको, रोबोट कह सकता है I love you. तो ऐसे रोबोट अगर बोले कोई आई लव यू, उससे ज्यादा आपको अट्रैक्शन होगा. या फिर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चूज करके आके बोले कि हाँ आई लव यू, उसके पास इतने सारे और ऑप्शन है लेकिन फिर भी वो चूज करता है या करती है और आपको बोलते हैं कि आई लव यू, तो किस प्यार को सही मायने में आप सीरियसली लोगे? एक रोबोट का प्यार जो आगे बोल रहा है, कंट्रोल्ड है, उसको फोर्स्ड है यही बोलना आई लव यू, या फिर एक व्यक्ति जो एक्चुअली चूज करता है कि हाँ भाई आई रियली लव यू, किस दोनों में से किसको आप सही में मायने में आपको अंदर इमोशंस आएंगे? सेकंड वाला ऑप्शन. सेकंड वाला ना, रोबोट वाला. प्रभु जी आपने वो सेकंड दिया, पहले फर्स्ट था आपने रोबोट. ओके ठीक है. तो रोबोट वाला नहीं, लिविंग एंटिटी वाला, राइट? क्योंकि लिविंग एंटिटी के पास चॉइस है कि वो कुछ भी कर सकते. उसी तरीके से भगवान भी कंट्रोल करके नहीं हमारे को फोर्स कराना चाहते कि हम बोलें फोर्स करके कि हाँ भाई वही चीज जो भगवान कहे. नहीं, खुली छूट, फ्री विल दी है भगवान ने. उससे जब हम चूज करते हैं कि नहीं भगवान आप मुझे हर कुछ दे दो लेकिन मुझे फिर भी आप चाहिए, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो ये असली प्यार है, ये असली प्रेम है.
और ये प्रेम जो है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हमें फ्री विल दी जाए गई है, आजादी दी गई है, तो हमें उसको फायदा उठाना चाहिए भगवान के पास आने के लिए, ये नहीं कि भगवान से दूर जाने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? आगे बढ़े। ओके, तो अब लोग कहेंगे कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कोई भी काम मेरे लिए नहीं है, नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन द थ्री प्लैनेट्स, तो ये सृष्टि को चला कौन रहा है फिर? ये इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा भी नहीं रहे, इतने सारे एटम्स के अंदर भी देखते हैं हम, वो क्या कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं, इतने सारे लोगों की हार्ट बीट चलती रह रही है, कह रहे हैं परमात्मा अंदर बैठे हैं कर रहे हैं, कैसे ये सब हो रहा है फिर जो वो कह रहे हैं कि देयर इज नो वर्क फॉर मी? कोई बता सकता है प्रभु जी? क्योंकि भगवान ने, जैसे आपने बताया था कि विष्णु के बारे में, तो आपने बताया था ना कि कैसे उन्होंने आगे कंट्रोलर ब्रह्मा जी को, शिव जी को रखा हुआ है और वो बनाते हैं और आगे कंट्रोल के लिए, जैसे मटेरियल वर्ल्ड के लिए उनकी एक्सटर्नल माया शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी, तो इसलिए डायरेक्ट भगवान नहीं कंट्रोल करते। दैट्स व्हाट आई थॉट प्रभु जी। ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा, कोई और बताना चाहेगा? सो आई ऑल्सो थिंक एज माताजी सेड कि उन्होंने अपनी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डेलीगेट किए हुए हैं आगे डेमी गॉड्स को, सो दे मस्ट बी यू नो कंट्रोलिंग एंड यू नो टेकिंग केयर ऑफ द सृष्टि एंड यू नो ही वुड बी बेसिकली इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग यू नो एज पर जो सृष्टि पूरी जैसे चल रही है। ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे दिया है पराश्य शक्तिर विविधेय श्रूयते, इसका मतलब यह है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान के इच्छा अनुसार हर चीज अरेंज करके अब चलाने लग जाती है, भगवान को खुद करने की जरूरत नहीं है, उनके इच्छा मात्र से ये सब चीजें होती आती है। जैसे एक बड़ा बड़ा आप बिजनेसमैन देखो, आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है जेफ बेजोस का? किसी ने सुना है यहाँ पे नाम जेफ बेजोस का? किसी ने भी नहीं सुना? नहीं प्रभु जी, मैंने तो नहीं सुना। अमेज़न का वो असली डिवोटी हो, आपको कोई दुनिया से लेने देना नहीं। नहीं प्रभु जी, असली नहीं प्रभु जी, असली डिवोटी नहीं है, नालायक है। तो एक कंपनी है उसका नाम है अमेज़न, किसी ने सुना है अमेज़न का नाम? अमेज़न बिल्कुल सुना है प्रभु जी। अमेज़न फॉरेस्ट नहीं, अमेज़न कंपनी भी है। हम लोगों ने कईयों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अमेज़न फॉरेस्ट, उसकी बात नहीं कर रहा। एक कंपनी है प्रभु जी, हाँ, तो उसका एक मालिक है, सीईओ है, उसका नाम है जेफ बेजोस। तो आप देखोगे अब जेफ बेजोस या किसी भी आप सक्सेसफुल लीडर्स को देखोगे ना, उनकी लाइफ भी बड़ी रेगुलेटेड तरीके से चलती है, जनरली वो काफी टाइम स्पेंड करते हैं क्या कहते हैं उसको चलाने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक एक पर्टिकुलर सेक्शन में अपनी कंपनी के जाके उनके पास कितनी बड़ी बड़ी मैसिव ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज है ये, और इसमें इतने सारी छोटी छोटी कंपनीज की कॉम्बिनेशन एक्चुअली। तो ऐसे नहीं है कि वो जाके एक एक कंपनी के छोटे छोटे चीजों को खुद हैंडल करता है, नहीं, उसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना सब है कि वो अगर कुछ दिन तक काम ना भी करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ट अप है कि लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई है कैसे करना है क्या करना है, उसको हर चीज का छोटी छोटी चीजों का डिसीजन नहीं लेना। उसी तरह की कैसे कोई भी आप कंपनी ले लो, उसके बड़े बड़े जो हाईएस्ट पोजीशन पे लोग होते हैं वो एक एक छोटे छोटे
नट बोल्ट को नहीं देखते कि कैसे चल रहा है, वो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट रखा हुआ है करने के लिए कैसे हो रहा है। तो उसी तरह से कई बार ये लोगों को डाउट होता है जैसे कि विष्णु है या कृष्ण है सुप्रीम। एक्चुअली कृष्णा असली सुप्रीम है, क्यों? क्योंकि उनको एक एक चीज को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा आराम से एंजॉय कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, अपने बाल ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, हैविंग फन और लविंग रिलेशनशिप एक्सचेंज कर रहे हैं। और कृष्णा के एक्सपेंशन जो विष्णु तत्व हैं, जो विष्णु हैं, जो जैसे बाकी बताया उनकी शक्तियां हैं, डेमी गॉड्स हैं, ये उनके इच्छा से कार्य कर रहे हैं। पराश्य शक्तिर विविधेय श्रूयते, और इस तरीके से उनको हर एक चीज को करने की जरूरत नहीं है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको है नहीं, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विदिन देयर ऑल प्लैनेटरी सिस्टम्स, लेकिन फिर भी भगवान करते हैं, ऐसा नहीं है, नॉर एम आई इन वांट, कुछ जरूरत भी नहीं है, एंड येट आई एम एंगेज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, तो ये भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया इस पर्टिकुलर श्लोक को जो कि वैदिक लिटरेचर्स में से लिया है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कई चीजें। देखो सब कंट्रोलर के कंट्रोलर भगवान हैं, सारे देवों के कई सारे देवता हैं उनमें सबसे हाईएस्ट भगवान है, कई सारे मास्टर हैं, पति, पति मींस मास्टर भी होता है, तो कई सारे पालनहार हैं, पति हैं, लेकिन हाईएस्ट हैं भगवान। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बताई जा रही है कि भगवान क्या है। मतलब नॉर्मली लोगों को पता नहीं लगता, लोग ऑर्डिनरी लोगों को भगवान मान लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है, और भगवान को भगवान नहीं समझते, वो भी गलत है। जब ऑर्डिनरी लोग कोई आते हैं वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं वो इधर उधर के थोड़े मैजिक ट्रिक दिखाते हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं और लोग सोचते हैं हाँ ये भगवान होगा, बट एक्चुअली मैजिक ट्रिक तो राक्षस भी दिखाते थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वो बड़ी सारी चीजें ऐसे कर सकते थे जो कि मैजिकल होती हैं। रावण कोई अगर जरा सा सोना निकाल ले अपने मुंह से या इधर उधर से तो उसको लोग भगवान मानते हैं, मगर राक्षस रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रावण भगवान हो गया, नहीं। तो जो भगवान है जब वो आते हैं कई लोग उनको भी भगवान नहीं मानते, जैसे दुर्योधन जब कृष्ण उसके सामने खुद आए तो उसको कोई विश्वास नहीं था, कहता है ये कोई मायावी है, इसको पकड़ो, पकड़ के डाल दो जेल में। तो फिर कृष्णा ने अपना फिर एक बार विराट रूप दिखाया था वहां पे पहले, एक्चुअली वो तो इससे पहले हुआ था भगवत गीता से। तो ऐसे टाइम टू टाइम जो लोग हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं भगवान। तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? ही डज नॉट प्रोसेस। I can read. Now, please. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious. And thus, his deeds are automatically performed as a natural sequence. Shvetashvatara Upanishad 6.7-8. Okay, yeah. So, we have already discussed, yeah. His potencies are multifarious and thus his deeds are automatically performed as a natural consequence. Okay, na? So, we have already discussed kariya Parashya Shaktir Vividheshwit. Okay, next, last paragraph. Kaun padega? Should I continue? Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. And yet, Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra
as the leader of the Kshatriyas because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. Hare Krishna. Hare Krishna. So, ye wahi jo hum discuss kar rahe the ke Bhagwan, even though unko kuch karna nahi hai, phir bhi वो एंगेज है ड्यूटी में. तो भगवान अपने एग्जांपल से अर्जुन को बताने के, देखो इवन दो तुम सोच रहे हो कि हाँ तुम को अब करने की जरूरत नहीं है युद्ध वगैरह, ठीक है ना, तुम बैगिंग करके रह लोगे, तुम ट्रांसजेंडेंटल प्लेटफॉर्म में रह लोगे, लेकिन ट्रांसजेंडेंटल व्यक्ति के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो सब कुछ छोड़े ही छोड़े, वो करके भी जी सकता है कि नहीं, क्योंकि आप तो ट्रांसजेंडेंटल हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप ड्यूटीज करो या ना करो, तो कर ही लो फिर. देखो जनक भी कर रहे हैं, कई सारे राजा जनक के नाम से हुए, सॉरी कई सारे राजा हुए जैसे महाराज जनक हैं, उन्होंने किया. फिर मैं भी कर रहा हूं. तो ऐसे एग्जांपल से बता रहे हैं कि आपको भी इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि यद यद आचरिति श्रेष्ठस, जैसे जैसे आप करोगे वैसे ऐसे लोग फॉलो करेंगे. तो ये बता रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं. तो अब वो नहीं करें तो क्या होगा, अभी आगे देखते हैं 3.23 में. यदि ही अहम नावर्तेयम्, यदि ही अहम नावर्तेयम् जातु कर्मण्य अतन्द्रितः, मम वर्तमानु वर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वशः. ओके, तो ये कौन पढ़ेगा? यस प्रभुजी. हाँ, इन द आंटी प्लीज. For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. Purport: In order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life, there are traditional family usages meant for every civilized man. Although such rules and regulations are for the conditioned souls and not Lord Krishna, because he descended to establish the principles of religion. He followed the prescribed rules. Otherwise, common men would follow in his footsteps because he is the greatest authority. From the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing all the religious duties at home and out of home as required of a householder. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. तो भगवान बता रहे हैं, अगर मैं भी फेल हो जाऊं कि मैं अगर अपने कर्तव्यों का पालन ना करूं तो फिर सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सारे के सारे लोग इसी तरीके को फॉलो करेंगे और उससे बिल्कुल डिस्टर्बेंस आ जाएगी. और प्रभुपाद प्रोपर्ट में बता रहे हैं कि सोशल ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए कई बारी ऐसी सिचुएशन होती है कि ग्रेट पर्सनालिटीज जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे ऑर्डिनरी लोगों. जैसे अब राम जी जब वो बॉर्न हुए आए तो वो मर्यादा पुरुष होता, मर्यादा के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चलाया ताकि लोगों के लिए एक एग्जांपल बन सके. अच्छी तो ट्रेडिशनल फैमिली ड्यूटीज और इन सबको अप्लाई करके उन्होंने अच्छे से अपनी लाइफ को बताया. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है. एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कृष्णा कह तो रहे हैं कि मैं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज कर रहा हूं, लेकिन कई बार उन्होंने ऐसी चीजें भी करी हैं जो लोगों को इतनी समझ में नहीं आती है कि नहीं. जाके चुरा रहे हैं किसी के घर से मक्खन, तो कोई वैसे भी पूछ सकता है कि ये क्या हो रहा है भाई. तो कोई कैसे आंसर करोगे आप?
आप लोग सब सुन रहे हो भगवत गीता और समझ रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फिर कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे समझना है। तो क्या है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग? इसमें ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट भी ऐसे ही ह्यूमन बीइंग आए थे अर्थ में। तो क्या एग्जांपल देना उसमें, मतलब क्या हुआ आपका कहने? नहीं, मेरा कहने का जैसे तुमने बोला ना कि अर्थ में जैसे राम जी ह्यूमन फॉर्म में आके अपना नॉर्मल जैसे सबके साथ फैमिली लाइफ लिए या वो सब, तो इसी तरह जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे ह्यूमन बॉडी लेके आए थे ना अर्थ में। हाँ हाँ, तो ये तो ग्रेट पर्सनालिटीज की बात है। ग्रेट पर्सनालिटीज में जनरली आप कई सारे लोगों को ले सकते हो, भगवान को भी ले सकते हो, भगवान के डिवोटीज को भी ले सकते हो। तो हम जीसस क्राइस्ट को भगवान का डिवोटी के हिसाब से समझते हैं, और हम नहीं, बहुत सारे क्रिश्चियंस भी यही कहते हैं। आप लोग, आप अगर कहीं जब भी देखोगे जेहोवा विटनेस और अलग अलग, दे आर क्लियर कि जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड, और जीसस क्राइस्ट ने कभी बोला भी नहीं जीसस इज हिज सन ऑफ गॉड। तो वो हो चाहे डिवोटीज हो, जैसे जनक महाराज वो भी एक डिवोटी है, तो ऐसे चाहे डिवोटीज हो चाहे भगवान खुद हो, लेकिन वो जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में होते हैं ऐसे पर्सनालिटीज, उनको हम लेते हैं एक महाजन की तरह या एक गुरु की तरह या एक एग्जेम्पलरी डिवोटी की तरह, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते हैं सिखाने के लिए। तो जीसस क्राइस्ट भी कह सकते हैं कि एक पोजीशन में थे जिसमें उन्होंने, मेरे को डिटेल्स नहीं पता उन्होंने क्या प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करी या नहीं करी या कैसे किया, मगर उन्होंने एक एक्टिविटीज ये करी कि भगवान के तरफ इंकरेज किया सबको। जैसे पहली कमांडमेंट उन्होंने क्या दी, उन्होंने यही दी पहली कमांडमेंट, लव गॉड विद ऑल योर हार्ट ऑल योर सोल राइट एंड ऑल योर माइंड एंड ट्रीट योर नेबर एज योर फ्रेंड। तो ये एक अच्छा एग्जांपल सेट किया ताकि बाकी लोग भी भगवान की तरफ अपना जो है लव फॉर गॉड इसमें इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ सके। तो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। इज दैट योर पॉइंट? ग्रेट। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि कई लोग इसके रिस्पॉन्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कई चीजें करी जो कि नॉर्मल लोगों के लिए नेसेसरली आचरण ना हो। जैसे कृष्णा का एग्जांपल मैं ले रहा था कि कृष्णा जाके मक्खन चुरा रहे हैं, तो ये तो नेसेसरली ऐसा नहीं है जो लोगों को फॉलो करना है, मैं कह नहीं। तो फिर इसको कैसे समझेंगे हम? ये सब उनकी लीलाएं थी प्रभु, जैसे राम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, वैसे कृष्ण भगवान को लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो ये सब उनकी लीलाएं थी कि वो एक सखा के रूप में कैसे आए, एक लवर के रूप में राधा के साथ उनका क्या था, एक गोपाल के रूप में कि उनकी मदर के साथ कैसा बिहेवियर, ये सब उनकी लीलाएं थी। ओके, वेरी गुड आंसर। ओके, और कौन बताना चाहेगा? एंड दीज लीलास वर डन टू गिव प्लेजर टू हिज डिवोटीज बिकॉज़ हिज डिवोटीज वुड सिंग अबाउट हिज पास्ट टाइम्स एंड दे वुड डिराइव प्लेजर आउट ऑफ देम। And they were actually those who were living in bridge were actually his associates from, they were other demigods and they were all his devotees. So this was just to give pleasure to his devotees. Excellent, very nice. Acha pointer. ओके, और कौन बताना चाहेगा?
ये भी इसका वो कर सकते हैं कि जैसे कृष्ण लॉर्ड कृष्णा अर्थ पे आए थे ह्यूमन फॉर्म में, तो वो इस चीज को यही दिखाना चाहते थे कि मैं भी एक मतलब ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो ह्यूमन फॉर्म में आया हूँ, एंड जिससे लोग आगे फॉलो करें कि एक इंसान को मतलब जैसे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए अपनी हर चीज लिमिट्स में, और मतलब मजाक एक जगह होता है और कहाँ पे लाइन क्रॉसिंग होती है, ये सब भी एक छोटे छोटे फॉर्म में लेसन्स होते हैं। ओके ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? तो आप लोगों ने कई अच्छे पॉइंट शेयर किए। तो एक्चुअली पहली चीज ये है कि ये यद यद आचरति श्रेष्ठस में हम देख रहे हैं कि कौन लीडर्स व्हाट फॉलोस। मगर कृष्णा ने जब वो बाल लीलाएं करी और क्रीड़ाएं करी तो एक्चुअली वो एक लीडर की पोजीशन में नहीं थे उस वक्त, उस वक्त एक बालक की पोजीशन में थे। और उस वक्त क्या कर रहे थे वो जैसे आप लोगों ने सबने ऑलरेडी बताया कि एक लविंग रेसिप्रोकेशन था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को समझना चाहिए कि सब चीजें जो ग्रेट पर्सनालिटी करती हैं, ये जो भगवान करते हैं, वो सारी चीजें मिमिक करने सही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भी शुरू हो जाएं वही चीज करना, नहीं, हमें समझना है कि क्या चीज एक एग्जांपल सेट किया गया हमें फॉलो करने के लिए और क्या चीज ये क्लियरली बताने के लिए कही गई है। जैसे कृष्णा ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो एक क्लियरली बताने के लिए कही गई थी कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो भगवान है। इनफैक्ट बाकी इनकार्नेशंस में भी उन्होंने वैसा नहीं किया था। जैसे आपने कृष्णा का जो विराट रूप है वो कितनी बारी देखा है कृष्णा ने, कोई बता सकता है? मुझे अर्जुन को तो दिखाया था सुरक्षित, एक बारी तो अर्जुन को भगवत गीता में और एक वो जब दुर्योधन पीस, हाँ जब पीस वो बन के गए थे तो दुर्योधन को भी वो किया था उन्होंने। हाँ सारी कोशिश कर ली थी युद्ध को अवॉइड करने की। हमने पढ़ा कि एक बारी क्या हुआ, कृष्णा जब युद्ध वगैरह फाइनल हो गया कि मैं हाँ अब युद्ध करना है, तो फिर कृष्णा ने खुद कहा कि नहीं देखो अभी ना एक बार ये एक मौका हमें और देना चाहिए उनको सब कुछ अवॉइड करने का, क्योंकि बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हो जाएगी अगर युद्ध हो गया तो। कृष्णा खुद ही समझा रहे थे सबको पांडवों की साइड में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि किसी और को भेज दिया, कृष्णा ने कहा मैं खुद जाऊंगा और मैं ये लेके जाऊंगा उनके पास ऑप्शन सारे कि कैसे इसको अवॉइड करें, पहला दूसरा तीसरा प्लान ए बी सी सब देंगे उनको, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो। क्योंकि जो अर्जुन बैटल फील्ड में देख रहा था वो कृष्णा ने बहुत पहले ही देख लिया था, और कृष्णा चाह रहे थे कि दुर्योधन को धृतराष्ट्र को इन सबको मौका मिले कि ये सुधरे। तो कृष्णा गए और कृष्णा ने जब इनको पता लगा धृतराष्ट्र को दुर्योधन को सबको, तो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे। धृतराष्ट्र सोच रहा था कैसे मैं इनका अच्छे से वेलकम करूंगी खुश हो जाए, दुर्योधन सोच रहा था कैसे मैं इसको अपनी साइड ले लूं, कैसे मैं इसको अच्छे से दिखाऊं कि भाई अपना ऑपुलेंस दिखाऊं, अच्छे से इनके लिए खाना वाना अरेंजमेंट करके किसी तरह से प्यार मोहब्बत से इनको अपनी साइड ले लूं। तो उनके अल्टीरियर मोटिव्स थे और मटेरियल मोटिव्स थे, वो भगवान की तरफ सेल्फलेसली नहीं बढ़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान या कृष्णा आप बताओ आप जो कहोगे वो मेरे को गाइडेंस दो आप, नहीं, उन्होंने कहा ये करना है मुझे, तुम मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट बनो। जो डिवोटी होता है वो क्या कहता है, भगवान मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बनता हूं आपके हाथ में, आप मुझे चलाओ। लेकिन ये जो दुर्योधन है वो कहता है नहीं नहीं कृष्णा तुम मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनो और युद्ध जिताओ मुझे। और आप लोग अगर ध्यान दो तो ये मेंटेलिटी दुर्योधन वाली ना हम लोगों के अंदर भी आ जाती है, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भगवान ये चाहता हूं मैं हो और तुम इंस्ट्रूमेंट बनो इसको पूरा करने के लिए।
जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो हम ये मांगते हैं जो हमें चाहिए। हम ये नहीं मांगते कि भगवान आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो वो हमें गाइड करो आप, ताकि हम वो कर सकें। क्योंकि आपको सही मायने में पता है, क्या सही में भले के लिए क्या करना चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी कम होती है। जितनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी उतनी हमारी ऐसी कॉन्शियसनेस आती जाएगी। जितने हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, मटेरियली मोटिवेटेड है, उतनी हमारा फोकस होता है कि कैसे ये चीज मुझे मिल जाए। और बड़ा शॉर्ट टर्म होता है हमारा गोल कि हाँ भाई ये एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, या ये अच्छी नौकरी मिल जाए, या अच्छी लॉटरी मिल जाए, या ये अच्छी यू नो सबकी सेहत अच्छी बनी रहे। लेकिन टेम्परेरी है ना, कब तक सेहत अच्छी बनी रहेगी? लाइफ तो टेम्परेरी है, एज श्योर एज डेथ, ये तो सबको पता है। लेकिन वी होप फॉर वॉट इज इनएविटेबल। हम यही होप करते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता है अंदर ही अंदर ऐसा होगा। टाइम के प्रभाव से चीजें चेंज होंगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। तो ये दुर्योधन मेंटालिटी होती है कि भगवान को अपनी सेवा में लगाने के लिए कोशिश करना। और जो अर्जुन की मेंटालिटी वो क्या थी, वो थी 2.7 में। अर्जुन ने क्या बोला था 2.7 में, कौन बता सकता है? 2.7 श्लोक का किसी को पता है? भगवद गीता 2.7 कोई बिना देखे बता सके, चाहे एग्जैक्टली ना बताए, थोड़ा बहुत आगे पीछे। प्रभु जी आई गेस कार्पण ने तो शोभाता स्वभाव। हाँ आपको श्लोक याद है, आप सुनाओगे बिना देखे? जी प्रभु जी आई विल ट्राई। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रक्षामि तम धर्म सम्मूढ़चेता यक्षे अहम् निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्येस्तहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो उसका मतलब बताओगे आप? कोशिश करो थोड़ा सा। जी प्रभु, आई मीन कृष्णा इज सरेंडरिंग अनटू अर्जुन, इज सरेंडरिंग अनटू कृष्णा एंड आस्किंग हिम फॉर गाइडेंस। ही इज सेइंग आई एम योर डिसिपल एंड गाइड मी इन दिस टाइम ऑफ बेवल्डरमेंट। यस वेरी नाइस। तो वो बिल्कुल सीधी तरीके से बोल रहा है अर्जुन कृष्णा को, क्या बोल रहा है कि आई एम कंफ्यूज अबाउट, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ। हमारी भी लाइफ ऐसी रहती है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं ज्यादातर। हम सोचते हैं कि हाँ हम क्लियर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एक्चुअली हम कंफ्यूज होते हैं। तो कभी हम कंफ्यूज ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन इनवेरिएबली टाइम टू टाइम कंफ्यूजन का आएगा, ये करूं वो करूं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल आई। तो ये समझना चाहिए कि नो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू कृष्णा, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर नहीं भी कंफ्यूज है तभी भी भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं आई एम कंफ्यूज्ड एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर, आई एम आस्किंग यू टू टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आप बताइए मेरे लिए बेस्ट क्या है। मैं आपका एक शिष्य स्नेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका एक शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, आई एम योर डिसाइपल, और मैं अब आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ, आई एम सरेंडर्ड ऑन टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो ये अर्जुन ने बोला। तो ये जो है डिफरेंस है मेंटालिटी का, कि अर्जुन ने क्या बोला और दुर्योधन की क्या कॉन्शियसनेस थी। दुर्योधन का सोच भी नहीं सकता था कि मैं कृष्णा की शरण लेता हूँ, नहीं, वो तो कृष्णा को पकड़ के बंदी बनाने वाला था। तो चाह रहा था कि यही होना चाहिए, और कृष्णा अगर तुम ये पूरा कर सकते हो तो आओ और करो बस। उसी तरह से कई लोग होते हैं, वो जाते हैं मंदिर, वो कहते हैं भगवान ये पूरा कर दो, नहीं पूरा कर सकते तो चलो भाई सुपर मार्केट है भगवान की, अगर ये वाले भगवान नहीं तो वो दूसरे मंदिर में जाएंगे, उस वाले भगवान के पास, फिर वो तीसरे भगवान के पास, वो चौथे भगवान के पास, और फिर ऐसे सारी सुपर मार्केट में मैं कोई और ढूंढ लूंगा भगवान, तुम नहीं दे सकते तो कोई और दे देगा, है कि नहीं? नहीं तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई और रिलीजन में चले जाएंगे। लेकिन मेंटालिटी वही रहती है कि भगवान को अपनी सेवा में लगाना। तो ये प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, इससे हमारे को कभी भी इटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी।
तो कृष्णा ने अपना विराट रूप कई बार ही दिखाया, लेकिन अगर आप बाकी देवी देवताओं को ले लो या बाकी विष्णु तत्व को भी ले लो, तो आप देखोगे नहीं ऐसा एग्जाम्पल कि वो सब विराट रूप दिखा रहे हैं, सारे देवी देवता उनके अंदर हैं, आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन अभी देखोगे आप जब 11वें चैप्टर में कृष्णा ने विराट रूप दिखाया है, तो अर्जुन सारे के सारे देवी देवताओं को देख सकता है उनके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि कृष्णा इज द सुप्रीम, क्लियरली टाइम एंड अगेन बार बार बताया गया। और साथ ही साथ कृष्णा ने ऐसी क्रीड़ाएं भी इसी को प्रूव करने के लिए करी है कि कैसे ही इज द सुप्रीम। उन्होंने विराट पर्वत को उठा लिया अपने हाथों से, ठीक है ना, छोटी सी एज में। तो ये सब लीलाएं, जैसे माता जी ने बोला, ये लीला पुरुषोत्तम है कृष्णा, और ये सब लीलाएं की है। तो हमें समझना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं जो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हो रही है कि हम फॉलो करें, और क्या लीलाएं ऐसी हो रही हैं जो ये बताने के लिए हो रही है कि भगवान इज एक्चुअली द अल्टीमेट सुप्रीम और उनका शरण लेना चाहिए। उनके साथ लीला में पार्टिसिपेट करने में जो आनंद मिलता है और कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए वो आनंद दे रहे हैं सारे के सारे अपने डिवोटीज को। तो इसलिए कृष्णा यहाँ पे जब युद्ध बैटलफील्ड में है, जब एक्चुअली किंग बन गए हैं वो, और जब वो एक्चुअली उस रोल में है, तब वो अपने आप को बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चला रहे हैं। और द्वारका में देखोगे आप कृष्णा सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, और कैसे वो अपनी पूरे दिनचर्या को चलाते हैं, वो एग्जाम्पलरी है। और एज अ राजा भी वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और यहाँ पे भी पांडवों के साथ आके क्षत्रिय बैटलफील्ड में जिस तरीके से सही धर्म के मार्ग को चलाना है उस तरीके से चला रहे हैं सब। तो भगवान अपनी ड्यूटी से कभी चूकते नहीं। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक मेरा थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछूं अभी? श्योर। इट्स दिस दैट जिस टाइम श्री कृष्ण एज एन एमिसरी ऑफ पीस गए थे कौरवों की सभा में, and proposal दिया था उनको, at that time Duryodhan tried to imprison him, he made an attempt to imprison him or threatened him, so that was a very bad situation. उसके बाद में दुर्योधन की हिम्मत कैसे पड़ी उनके पास जाने की, कि उनको जाके request, जिस time request तो पहले हो गई थी ना, request तो पहले हो गई थी, तभी दोनों की parties अलग हो गई थी, फिर कृष्णा इस पार्टी में थे, कृष्णा ने कहा कि नहीं एक बारी हमें फिर से लेके जाना चाहिए प्रपोजल स्पेसिफाई करने के लिए कि ना हो युद्ध, ठीक है ना। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि होना नहीं चाहिए युद्ध। और फिर कृष्णा ने धृतराष्ट्र को बोला, दुर्योधन को बोला, वो नहीं माने। फिर कृष्णा ने कर्ण को बोला, और कर्ण को भी यही था बताया कि भाई अगर कर्ण नहीं कन्विंस हो जाता है और सरेंडर कर देता है भगवान की बात को, तो इतनी बड़ी ब्लडशेड होगा नहीं, क्योंकि दुर्योधन का माइंड चेंज हो सकता है। क्योंकि हमने देखा ना भगवत गीता के शुरू में ही, पहले चैप्टर में ही, कि कैसे कर्ण बैटल फील्ड में नहीं था लेकिन दुर्योधन के मन में था कि कोई बात नहीं, कर्ण है बैकअप में, वो सब जीत लेगा। और कृष्णा ने वहां पे प्रपोजल दिया, लेकिन कर्ण जो थे वो भक्त नहीं थे, उसके अंदर अच्छी गुड क्वालिटीज थी कुछ, लेकिन उसके अंदर काफी नेगेटिव क्वालिटीज भी थी। एक्चुअली कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस थे, लेकिन क्योंकि वो सूर्य देव की शरण में चले गए तो उसके अंदर कई पॉजिटिव क्वालिटीज भी आ गई, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको आइडिया हो गया था कि कृष्णा इज गॉड, मगर वो भगवान के हिसाब से अपने आप को चलाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो मिस कर गए अपॉर्चुनिटी। ऐसे हमारी लाइफ में भी भगवान कई बार हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हमने अपने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं जिसको हम टॉप मोस्ट मानते हैं,
जो भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं उसको नहीं मानते हम, उसको समझने के और फॉलो करने की कोशिश करें तो भगवान हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बनाई हुई चीजें हैं ना उसको ज्यादा महत्व देते हैं एज कम्पेयर टू जो भगवान ने भगवत गीता में साक्षात कहा हुआ है, जो हमारे सामने है, जिसको कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, जो सामने बिल्कुल विजिबल है, उस चीज को छोड़ के हम कोई इधर उधर के अपने बनाए हुए चीजों को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, तो इस वजह से हम फेल कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे कृष्णा जो है वो इन लोगों के पास गए और इन लोगों ने समझा नहीं वैल्यू और सही स्टेप्स नहीं लिए। लेकिन कृष्णा भीष्मा के पास नहीं गए, अगर भीष्मा के पास जाते तो गेम चेंज हो जाती, लेकिन कृष्णा चाहते थे कि भीष्मा वहीं से फाइट करे, और कृष्णा ये दिखाना चाहते थे कि भीष्मा जैसा पावरफुल योद्धा भी अगर कहीं से फाइट करेगा, क्योंकि भीष्मा वाज मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिकली, और भीष्मा जैसा पावरफुल योद्धा भी कहीं से फाइट करेगा अगर वो धर्म के ऑपोजिट होगा तो भी वो जीत नहीं सकते, तो इसलिए धर्म के फेवर में ही होना चाहिए। तो ये एक अलग जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, इसलिए भीष्मा ने फाइट किया, क्योंकि भीष्मा जो थे वो तो सरेंडर थे भगवान को, वो वही करते जो भगवान कहते। ओके, तो हम स्टॉप करेंगे जी। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।